आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश में हार के बाद आम आदमी पार्टी में भी फूट के आसार हैं। एमपी में पार्टी प्रमुख आलोक अग्रवाल के इस्तीफा नहीं देने से नाराज संगठन मंत्री पंकज सिंह ने आप से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी में इस समय कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। आप नेताओं की मांग थी कि मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद पार्टी की बुरी तरह हार की समीक्षा हो और वर्तमान सभी पदाधिकारी इस्तीफा दें, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल इस्तीफा नहीं देने पर अड़ गए। इसके विरोध में प्रदेश संगठन मंत्री पंकज सिंह ने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी से मैंने कल इस्तीफा दिया है। अब चूंकि परिणाम 11 दिसंबर को आए थे विधानसभा के परिणाम एकदम विपरीत रहे। आम आदमी पार्टी की ज़्यादातर जगहों पे जमानतें जब्त हो गई, तो मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व से, खासतौर से मध्य प्रदेश में जो हमारी टीम है, कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान बोला था कि हमें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और इसकी समीक्षा हो, केंद्रीय नेतृत्व करे या यहाँ के कार्यकर्ताओं के समक्ष बैठ के केंद्रीय नेतृत्व यहाँ हमारे जो प्रयास रहे उनकी समीक्षा करे। उन परिणामों का जो नैतिक आधार है, कहीं ना कहीं जो यहाँ का नेतृत्व था मध्य प्रदेश का, आम आदमी पार्टी का, उसे अपने ऊपर लेना चाहिए। और ख़ास तौर से जब नैतिकता की बात आती है तो आम आदमी पार्टी का दो पायदान ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमारी राजनीति, पूरी राजनीति नैतिकता पे आधारित है। हम कार्यकर्ताओं को किस नैतिक बल से बोलेंगे कि आओ फिर से चुनाव लड़ते हैं, आओ फिर से काम करते हैं? तो कार्यकर्ताओं को, साथ ही प्रदेश की जनता को, और राजनीति में जो शुचिता की बात है, राजनीति में जो या सार्वजनिक जीवन में जो नैतिकता की बात है, उसे हमें स्थापित करना चाहिए। तो कल मैंने पीएसी की बैठक में इस्तीफा सौंपा है। वहाँ मैंने साथियों को दो सुझाव दिए थे कि जो पीएसी है, प्रदेश की जो हाईएस्ट बॉडी है, पॉलिटिकल एडवाइजरी काउंसिल, अध्यक्ष महोदय सहित पूरी पीएसी को इस्तीफा देना चाहिए, मुझे भी इस्तीफा देना चाहिए, इसमें कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया की जो समीक्षा है, केंद्रीय नेतृत्व यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर करें, ताकि सही से चीज़ें निकल के आएँ। जो कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ हमसे चूक हुई है, वो चीज़ें सामने निकल के आएंगी तो हम कुछ अच्छी रणनीति बनाकर आगे बढ़ पाएंगे। मैंने यहाँ भ्रम फैलाया जा रहा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया, मैंने पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं। मैं पार्टी का सदस्य हूँ, साथी हूँ। तमाम कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि हम उसी नैतिकता और उसी साहस, उसी जुनून के साथ फिर बढ़ेंगे। सदस्य रहते हुए भी अच्छा काम किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि पद पर रहते हुए काम किया जाए। आपके संगठन मंत्री पंकज सिंह ने दो मांगें सबके सामने रखी, एक तो हार की नैतिक जिम्मेदारी लेकर प्रदेश अध्यक्ष समेत पूरी पीएसी इस्तीफा दे, और इस हार की समीक्षा केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश का कार्यकर्ता करे। लेकिन जब इन बातों पर विचार नहीं किया गया तो पंकज सिंह ने इस्तीफा दे दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष घर पर बैठकर अपनी हार की समीक्षा कर रहे हैं, जबकि इस सबके लिए उन्हें जनता के बीच में आना चाहिए था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।